हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। मैं हूँ सुरभि और आज हम बात करेंगे डॉग ब्रीड पूडल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूडल, जो देखने में काफ़ी क्यूट और सुंदर लगते हैं, ये वर्ल्ड के मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड के अंदर सेकंड नंबर की रैंक पे आते हैं। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ये काफ़ी एक्टिव भी होते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में इन्हें हंटिंग और रिट्रीवरिंग के लिए यूज़ किया जाता था, यानी कि पानी के अंदर में से सामान लाने के लिए यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं। इनफैक्ट कई बार आपने देखा होगा कि पूडल का जो कोट होता है वो एक स्पेशल टाइप से कट होता है या फिर शेव्ड होता है। वो भी इसलिए ही किया गया था जिसकी वजह से पूडल डूब ना जाएं, जिससे पानी में आराम से वो तैरें, और कई कई जगह जैसे कि पैर में या जॉइंट पे उनका कोट शेव नहीं किया गया था, जिससे उनको ठंडे पानी में गर्माइश मिलती रहे। पूडल के ओरिजिन को लेकर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि पूडल का ओरिजिन जर्मनी में हुआ था और कुछ लोग मानते हैं कि पूडल का ओरिजिन फ्रांस के अंदर हुआ था। जर्मनी में एक वर्ड है पडलिंग और पडल, जिसका मतलब होता है स्प्लैश इन वाटर, जिसको कहा जाता है कि इसी वर्ड से पूडल का नाम पड़ा है। अब कुछ लोग मानते हैं कि पूडल का ओरिजिन तो जर्मनी के अंदर हुआ था, लेकिन उसको एज ब्रीड डेवलप फ्रांस के अंदर किया गया था। पूडल तीन डिफरेंट साइजेस में पाया जाता है, टॉय, मिनिएचर और स्टैंडर्ड। सारे साइज़ के पूडल होते नॉर्मल पूडल ही हैं, उनका बिहेवियर और बाकी सारे ट्रेल्स नॉर्मल एक पूडल के तरह ही होते हैं। टॉय पूडल का जो हाइट होती है वो 24 से लेके 28 सेंटीमीटर तक होती है। मिनिएचर पूडल की जो हाइट होती है वो 28 से लेके 35 सेंटीमीटर तक होती है। स्टैंडर्ड पूडल की जो हाइट होती है वो 45 से लेके 60 सेंटीमीटर तक होती है। बात करें पूडल के फिजिकल अपीयरेंस की, तो पूडल का जो हेड होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है। पूडल के जो लिप्स होते हैं वो एकदम टाइट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ डॉग के लिप्स जो होते हैं इंच के हिसाब से थोड़े लटक जाते हैं, पर पूडल के लिप्स एकदम टाइट होते हैं। पूडल की जो नोज़ होती है वो उसके बॉडी के कलर के ऊपर, कोट के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए अगर पूडल एप्रिकॉट कलर की है तो नोज़ भी ब्राउन सी होगी, अगर पूडल ब्लैक कलर की है तो ब्लैक नोज़ होगी, वाइट कलर की है तो ब्लैक नोज़ होगी। ईयर जो होते हैं उसके काफ़ी लंबे होते हैं, उसके पूरे फेस को कवर करते हुए उससे भी नीचे जाते हैं, और अगर आप देखें तो कई बार ऐसे लगता है कि किसी ने दो पोनी बना रखी है पूडल की, क्योंकि उसके जो ईयर्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, वेवी बाल होते हैं लॉन्ग से, तो काफ़ी हैवी ईयर्स हो जाते हैं बालों की वजह से। पूडल की जो बॉडी होती है वो लॉन्ग ज़्यादा होती है उसके हाइट के हिसाब से। पूडल जो होता है मस्कुलर डॉग होता है, और पूडल की जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, जो उसको स्विमिंग में भी हेल्प करती हैं। पूडल के जो टोज़ होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं और एकदम स्मॉल होते हैं जो फीट होते हैं, और पूडल के जो नेल्स होते हैं वो अगेन उसके कोट कलर के ऊपर डिपेंड करते हैं कौन से कलर के होंगे। जैसे ब्लैक कोट कलर है तो ब्लैक नेल्स हो सकते हैं, वाइट कोट कलर है तो वाइट पिंक कलर के नेल्स हो सकते हैं। पूडल की जो टेल होती है वो ऊपर की तरफ होती है और कई बार डॉग्ड भी होती है। बात करें पूडल के कोट की, तो पूडल का कोट काफ़ी अलग होता है बाकी डॉग ब्रीड से, और जिसकी वजह से पूडल को हाइपोएलर्जिक डॉग ब्रीड भी कहा जाता है, यानी कि पूडल के बाल कभी भी शेड नहीं होते, बढ़ते ही रहते हैं, जिसकी वजह से ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनको डॉग के हेयर से एलर्जी होती है या फिर कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हेयर शेड नहीं होंगे तो मुँह में बाल वगैरह या सांस में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं जाएगी हेयर्स को लेके। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शेडिंग में आसान है, बल्कि और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पूडल की ग्रूमिंग करने के लिए आपको ट्रिमर चाहिए और प्रोफेशनल ग्रूमर चाहिए। आप उसके बॉडी के तो मान लीजिए बाल ट्रिम कर लेंगे, लेकिन स्पेशली आईज के पास के बाल या मुंह के पास के बाल या ईयर्स के पास के बाल, जो भी सेंसिटिव एरिया होता है बॉडी का, उधर के ट्रिम करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। इसलिए इनके लिए प्रोफेशनल ग्रूमर तो चाहिए, कम से कम आपको एक दो बार तो प्रोफेशनल ग्रूमर के पास जाना पड़ेगा ट्रिमिंग कराने के लिए। रेगुलर बाथिंग इनको चाहिए होती है, तो इसके लिए थोड़े से लग्जीरियस, थोड़े क्या थोड़े ज़्यादा ही लग्जीरियस डॉग हो जाते हैं ग्रूमिंग फैक्टर के अंदर आए तो। बात करें पूडल के कोट कलर की, तो पूडल 11 डिफरेंट टाइप ऑफ कोट कलर में पाया जाता है, जिसमें से कुछ हैं ब्लैक, वाइट, ब्राउन, ग्रे, एप्रिकॉट, क्रीम्स, डार्क ब्राउन और भी बहुत सारे। बात करें पूडल के हेल्थ की, तो पूडल के हेल्थ के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि हिप डिप्लेशिया, एपिलेप्सी, एडिसन डिसीज, थायराइड इशू, ब्लोटिंग और कोलैप्स इन ट्रैकिया, और हार्ट और कैंसर डिसीज। हाँ, सुनने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये तब होते हैं जब या तो उसके जेनेटिक हो या फिर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट, एक्टिविटी या प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तब।
और ऑफ कोर्स छोटी मोटी बात करी जाए तो फिर उसको ईयर इन्फेक्शन और आईज इन्फेक्शन भी जल्दी हो सकता है, जैसे मैंने कहा अगर आप उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी डॉग होते हैं जिनके कान नीचे की तरफ होते हैं उनको ईयर इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है अगर आप उनको प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे ईयर्स को। तो पूडल के बिहेवियर और ट्रेनिंग के बारे में, तो पूडल जैसे मैंने बताया कि मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड के सेकंड नंबर के रैंक पे आता है, तो वो बहुत ही आसानी से ट्रेंड हो जाता है। इवन उसको पसंद होता है कि उसको और नई नई चीज़ें सिखाई जाए। हाँ, पूडल के अंदर एग्रेशन आ सकता है अगर आप उसे बोर कर देंगे तो। मान लीजिए कि आपने तो थोड़ी सी ट्रेनिंग कराई और वो और भी ज़्यादा सीखना चाहता है, लेकिन आप उस पर टाइम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पूडल एक अच्छा वॉच डॉग और गार्डिंग डॉग भी होता है। पूडल काफ़ी फ्रेंडली डॉग है पर स्ट्रेंजर के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता है, तो उसको प्रॉपर सोशलाइज ज़रूर कराएं। पूडल जो होता है बच्चों के साथ भी बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है और दूसरे पेट्स के साथ भी बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है, तो काफ़ी लविंग हैप्पी एक्टिव ब्रीड है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उसको प्रॉपर एक्टिविटी और प्रॉपर सोशलाइजेशन चाहिए होता है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग उसकी ज़रूर कराएं, सोशलाइजेशन ज़रूर कराएं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट ज़रूर दें, हाइजीन का ध्यान रखें, और थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी आप अपने डॉग को बच्चों के साथ खेलने छोड़े तो आपके बच्चे भी कई बार डॉग को तंग ना करें, जैसे उसके कान खींच रहे हैं या टेल खींच रहे हैं बेफालतू के अंदर। अदरवाइज पूडल जो है बहुत ही लविंग डॉग ब्रीड है। ये थी हमारी आज की वीडियो पूडल डॉग ब्रीड के बारे में। होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नए हो तो स्पेशली सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया तो वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, कुछ पूछना हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो भी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।